जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो बेस होगी बेसिक गन के ऊपर, यानी कि असॉल्ट राइफल। मीन्स 2023 की वो पांच ऐसी कौन सी असॉल्ट राइफल हैं जो सबसे खतरनाक गिनतियों में आती हैं। तो वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ, वीडियो शुरू करता हूँ। जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन दबा के बैठे रहिए, वीडियो देखिए। नंबर 5 मैंने जो नाम रखा है उसका नाम रखा है एफ एन स्कार। इसके दो प्रोटोटाइप होते हैं, यानी कि दो मॉडल आते हैं। एक स्कार एल मीन्स होता है स्कार लाइट वेट वाली गन, इसका और दूसरा जो होता है स्कार एच मीन्स स्कार हैवी। दोनों में फर्क का, दोनों में एम्यूनेशन का फर्क होता है, यानी कि बुलेट्स का फर्क होता है, प्लस इनकी ग्रिप का फर्क होता है। प्लस स्कार को लमसम 25 देश यूज कर रहे हैं, प्लस ये एक मिनट में 600 राउंड फायरिंग करती है। इसकी जो कॉस्ट आती है वो आती है $2,500 से $3,000 के बीच में, और इसको हमारी इंडिया की कोई स्पेशल फोर्स भी यूज करती हैं। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 जो मैंने नाम रखा IWI TAR-21, इसको इजराइल ने बनाया है, और इसकी जो कॉस्ट आती है लमसम $3,000 से $4,000 के बीच में आती है। प्लस इसको हमारे इंडियन आर्मी स्पेशल यानी कि पैरा कमांडो भी यूज करते हैं। प्लस इसको टोटल 32 कंट्री इस गन को यूज करती है। किसको यूज करती है? TAR-21 को। बट इसकी जो फायर रेट है ये 750 से 800 राउंड प्रति मिनट फायर करती है, यानी कि एक मिनट में 750 से 800 बुलेट फायर कर सकती है। नंबर 3 की बात करते हैं, यानी कि नंबर 3rd पे जो मैंने नाम रखा है उसका नाम HK416। जी हाँ दोस्तों, HK416 ये वही गन है जिसको अमेरिका की नेवी सीस ने उसामा बिन लादेन को इस गन से उसामा बिन लादेन मारा गया था। इसीलिए इसको नंबर 3 पे नहीं रखा है। इसकी और भी कुछ वजह है, यानी कि इसको दुनिया की सबसे खतरनाक गनों में गिना जाता है, और जो इसकी कॉस्ट आती है यानी कि काफ़ी मेंटेनेंस गन है ये। इसकी कॉस्ट आती है लगभग $3,000 से $35,000 आती है। इसको बहुत कम ही कंट्री यूज़ करते हैं, यानी कि इसकी जो मेंटेनेंस गन की है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। ये वो गन है, मैंने इसका एक अलग से एक वीडियो बनाया है। ये वो गन है दुनिया की जिसने परमाणु बम से ज़्यादा इस हथियार ने लोगों जान लिए। जी हाँ, आपने सही सोचा है, हम लोग बात कर रहे हैं AK-47 AK-47। ये दुनिया की सबसे खूंखार गन में आती है। क्यों आती है? इसकी मेंटेनेंस एकदम लो है। हाँ, इसकी जो फायरिंग रेंज है वो सिर्फ 400 मीटर की है, यानी बस 400 मीटर की ये फायरिंग कर सकती है, पर इसको टोटल 35 प्लस कंट्री यूज़ करती है, और जो आतंकी इसको यूज़ करते हैं उनका तो मतलब ही नहीं। इस गन को बनाने वाला भी, मतलब कंपनी भी, इसकी सही यूनिट कितनी बिकी है उसका गैस नहीं कर सकती। ये दुनिया के सबसे घातक गनों में से एक है। यह हर मौसम में काम करती है, और बहुत कम ही होता है कि खबर आती है कि AK-47 जैम हो, जल्दी जैम नहीं होती है। तो इसलिए इसको नंबर 2 पर रखा, यानी कि इसने न्यूक्लियर बम से ज़्यादा इस गन ने लोगों को जान लिए। अब हम बात करते हैं नंबर 1 पे जो मैंने गन रखी है, अभी ये इतनी ज़्यादा बाहर मार्केट में आई नहीं है, क्योंकि इसको काफ़ी कम नंबर्स में बनाया गया है। इसका नाम है MCX Spear। इसका जो फायर रेट है वो 900 राउंड प्रति मिनट, यानी एक मिनट में 900 राउंड ये गोली फायर करती है। प्लस इसके बारे में एक और चीज़ कह जाती है कि ये गन काफ़ी खुफिया रखी गई। खुफिया क्यों रखी गई, इसके बारे में ज़्यादा मालूम लोगों को नहीं है। तो ये होगी टॉप 5 2023 की टॉप 5 असॉल्ट गन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो आज का पसंद आया, बहुत छोटा वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके जाइएगा, लाइक कमेंट शेयर। जय हिंद, जय भारत।